हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा हॉटस्पॉट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल अगर हम उसको ओरली या माउथ के द्वारा हम लेते हैं तो वो ब्लड तक कैसे पहुंचती है, मतलब ऐसे कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं या ऐसा क्या डिफ्यूजन होता है कि जो हमारे जीआई ट्रैक से वो ब्लड स्ट्रीम तक जाती है। तो वही हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। कंटिन्यू करते हैं पार्ट टू पे। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, तो इसका जो पहला पॉइंट है, जैसे कि आपको पता होगा कि दो तरह के ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, या तो वो वाटर सोल्यूबल होगा या फिर वो लिपिड सोल्यूबल होगा। तो होता क्या है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है बॉडी की, वो लिपिड से बनी है। तो वो लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं कि वो एंटर करें, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एंटर करेंगे तो वो उसके जैसे नहीं है, तो फिर उसको अलाउ नहीं करेगी, उसके लिए हमको कैरियर चाहिए। तो वही हमारी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स जो लिपिड में सोल्यूबल है, एब्जॉर्ब एंड डिफ्यूज इनटू ब्लड, वही हमारे ब्लड तक पहुंच पाती है थ्रू मेम्ब्रेन। बिकॉज क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड। तो सिंपल सा फंडा है गाइस कि लिपिड की बनी है मेम्ब्रेन, तो वो लिपिड मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेगी। बट वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या, तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो भी, वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे किसी मेम्ब्रेन को, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को, डोंट क्रॉस, विच रिजल्ट दे आर इनकेपेबल टू डिफ्यूज इन टू ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो योग्य नहीं है कि वो ब्लड तक पहुंच पाए। बट हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स दे कैन क्रॉस मेम्ब्रेन। कुछ हमारे पास ऐसे कैरियर्स हैं जो इनको सेल में एंट्री दिला देंगे। उसके बाद जो ये सिंपल से दो तीन बेसिक कंपाउंड्स हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन। तो स्टार्च ब्रेक डाउन होता है डेक्सट्रिन में, जो डेक्सट्रिन दोबारा कन्वर्ट होएगा ग्लूकोज में। तो जो स्टार्च कन्वर्ट हुआ है डेक्सट्रिन में, वो हुआ है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज, ठीक है। और फिर डेक्सट्रिन अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये ऐसी प्रोटीन आपने देखा होगा, प्रोटीन किससे बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। तो फिर प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, किससे टूटेगा, बाय प्रोटीज एंजाइम। प्रोटीज एंजाइम बहुत सारे होते हैं हमारे पास, जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है मोस्ट कॉमनली पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे प्रोटीज एंजाइम है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम देखें कि चार तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं या फिर डिफ्यूजन होते हैं, जिससे भी कोई भी मॉलिक्यूल हमारे मेम्ब्रेन पास करता है, तो हम ये चार डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो पहला है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड द फोर्थ वन इज एंडोसाइटोसिस। जो पहला है गाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि इसका नाम में ही हम देख सकते हैं, एक्टिव, एक्टिव मतलब इट नीड एनर्जी, ठीक है। और डिफ्यूजन मींस किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होना, किसी और जगह जाना। तो जो फर्स्ट लाइन है वो है मेंट फॉर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो आप ये याद रखिए कि वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के लिए है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, ये सारे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं। ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी, दैट्स वाई वाई दिस ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी। अगर हाई टू लो जाते तब एनर्जी नहीं चाहिए होती, बट लो टू हाई कंसेंट्रेशन, आप सिंपली एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये एक बकेट है और ये एक बकेट है, ठीक है। तो इसमें पानी कम भरा हुआ है और इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर कम से ज़्यादा में हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें पंप की जरूरत है जो कम से ज्यादा में ट्रांसपोर्ट कर सके, पर अगर हमें ज्यादा से कम में चाहिए होता तो हमें कोई ऐसा सच कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है गाइस वो है वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर जनरली पोलर एंड आयनाइज्ड, सो दे नीड अ कैरियर टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, द कैरियर्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या कह रहा है, जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर होते हैं और आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं। जैसे वो मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे, द मेम्ब्रेन उसको रिपल्शन करेगी क्रिएट, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनके पास भी नहीं जा सकते गाइस। तो दे नीड अ कैरियर, उनको एक कैरियर चाहिए, वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये सारे गाइस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पॉइंट्स हैं कि वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के लिए बनाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो मूव्स करता है फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो उसको एक कैरियर की जरूरत है, मतलब कैरियर्स होते हैं जिसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है बिटवीन द वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स एंड द कैरियर। उसके बाद है जो रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम कैसे पता लगाएंगे, वो पता लगाएंगे हम वी मैक्स
इनटू में सी अपॉन में के एम प्लस सी, इसमें सी कंसेंट्रेशन है और वी मैक्स और सी कॉन्स्टेंट है। एक और बात है गाइज कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमने जैसे डिस्कस करा है कैरियर्स है, पर कैरियर्स लिमिटेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे कैरियर्स होता क्या है। कैरियर सिंपली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करके, कोई भी मॉलिक्यूल जो नहीं वाटर मॉलिक्यूल, इस केस में वाटर मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को बाइंड करके और किसी और जगह वो ले जाएगा, ठीक है, तो वो होता है कैरियर। इस केस में क्या हो रहा है, सिंपली कैरियर वो है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने में हेल्प करे, ठीक है। तो उस पर क्या है, जो हमारे कैरियर्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स किसी काम के नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है कितने ही पड़े हैं, अगर कैरियर एक है तो वो एक बार एक ही तो काम कर पाएगा, ठीक है, मतलब दो तीन मॉलिक्यूल अटैच हो पाएंगे उसमें से। तो अगर कैरियर लिमिटेड है तो हमारा जो असर है दवाई का वो लिमिटेड होगा। जैसे अगर कैरियर्स हमारे पे बहुत सारे हैं पर ड्रग मॉलिक्यूल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जितने ड्रग हमारी कंसंट्रेशन बढ़ी उतने कैरियर्स अवेलेबल है हमारे पास। पर अगर कैरियर्स ही नहीं है और ड्रग मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं तो उनका फायदा क्या, बाकी ड्रग मॉलिक्यूल्स यूरिन के थ्रू या फिर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू निकल जाएंगे, बॉडी में असर नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक छोटा सा ग्राफ है गाइज जो ये है, इसमें क्या है गाइज, पहले हमारे पास कैरियर्स प्रेजेंट है जो ये वाली, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट, जिसमें कैरियर्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल अमाउंट में हो जाए, मतलब जितने नंबर ऑफ कैरियर प्रेजेंट है उतने ही हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ तक क्या हो रहा है गाइस कि मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं पर कैरियर्स बहुत कम है, बट इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कैरियर्स तो खत्म हो गए हमारे पास पर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स। आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो कि सिंपली आप अगर आपको कहीं जाना है और आपको ऑटो रिक्शा की जरूरत है तो ऑटो रिक्शा हमारा कैरियर है, और जिस आपको जैसे अपना कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा चाहिए, ऑटो रिक्शा आपके लिए कैरियर है और आप पे खुद ड्रग मॉलिक्यूल हो। अगर ऑटो रिक्शा लिमिटेड है तो आप काम अपना नहीं कर पाओगे, अगर 60 बच्चे हैं और ऑटो खाली 3 है तो सफिशियंट नहीं है, बट अगर ऑटो रिक्शा 100 है और बच्चे 60 हैं तो वो इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो यही है इसमें कि इस पॉइंट के जो आप लेफ्ट साइड है उसमें क्या है, कैरियर्स बहुत हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स लिमिटेड है, बट इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ड्रग मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं पर कैरियर्स लिमिटेड है। इस मारे क्या हो रहा है, जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, क्योंकि कैरियर्स हमारे गिने चुने ही हैं। अब आप मॉलिक्यूल्स आप कितने ही बढ़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन आप कितनी बढ़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बारे में क्या करते हैं गाइज कि हम 10 mg या फिर 100 mg की ड्रग है सुबह ले ली, 100 mg दोपहर को ले ली, 100 mg शाम को ले ली, जिससे क्या होता है बैलेंस बना रहता है, जो कैरियर्स उन पर लोड नहीं पड़ता। अगर हमने इकट्ठी 300 mg ले ली तो शायद ऐसा हो कि 100 mg ही काम कर पाए बाकी 200 mg वेस्ट जाए। तो इस बारे हम टुकड़ों में दवाइयाँ लेते हैं, मल्टीपल डोजेस हम लेते हैं, ठीक है। तो यह है एक्टिव डिफ्यूजन का ग्राफ जिसमें हमारे कैरियर सही है। उसके बाद अगर हम टॉपिक पे आए, बैक टू द टॉपिक गाइस, तो इसमें इट ऑल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बट आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन क्या होगा, इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। हमें जैसे मैंने आपको बताया सैचुरेशन से पहले जब ड्रग मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और कैरियर लिमिटेड है तब तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगी, बट आफ्टर सैचुरेशन इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि GIT में लार्ज नंबर ऑफ कैरियर्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपको पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है सरफेस एरिया, क्यों, माइक्रोबिलाइज आर प्रेजेंट, और उसमें जो हमारा जिग-जैग तरह जो ऐसे ऐसे सिस्ट होती है ना पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कम एरिया में बहुत ज़्यादा लेंथ कवर कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस हमारे मोस्टली जो हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होती है एज कम्पेयर टू स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन और ऑर्गन के कंपेयर में। उसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन क्या बोल सकते हो इसको, तो वो है फर्स्ट लाइन, इट इज़ मेंट फॉर लिपिड सोल्युबल ड्रग। तो लिपिड सोल्युबल ड्रग है मतलब कैरियर तो इसको चाहिए नहीं, क्योंकि लिपिड की ही मेम्ब्रेन है और लिपिड ही ये खुद है मॉलिक्यूल, तो कैरियर की कोई नीड नहीं है। दूसरा पॉइंट, हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है मतलब इसको कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए, तो ये हमारे हो गए। उसके बाद है कि फॉलो फिलिक्स लो ऑफ डिफ्यूजन, फिलिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये है गाइस, DQ बाई DT इज इक्वल टू DAK अपॉन H, CGIT एंड C प्लाज्मा, CGIT कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन GIT एंड C प्लाज्मा इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। तो ये है फॉर्मूला कि हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, जैसा मैंने एक्टिव वाले में पढ़ा था ऐसे ये पैसिव का रेट अगर हम डिटरमाइन करना है तो ये फॉर्मूला है। जैसे हमने एक्टिव वाले में देखा था कि वी मैक्स
इनटू में सी अपॉन में के एम प्लस में सी था, ऐसे ही इसमें है डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी ए के अपॉन एच ब्रैकेट में सी जी आई टी माइनस सी प्लाज्मा। उसके बाद इसमें कोई ऐसा कोई सेचुरेशन पॉइंट है नहीं क्योंकि कैरियर ही नहीं है। उसके बाद गुड कैंडिडेट फॉर ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा क्यों कहा इन्होंने, अगर हम ओरली लेंगे तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो पूरी पूरी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इस बारे में ओरली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड वन है वो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है गाइस, कैरियर्स तो प्रेजेंट है पर हाई टू लो कंसेंट्रेशन जा रही है, मतलब कैरियर्स प्रेजेंट है और हाई टू लो जा रही है तो कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए, तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि इट नीड कैरियर बट डोंट नीड एनर्जी, तो ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप एक ग्राफ देख सकते हैं गाइज, इसमें क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था पैसिव डिफ्यूजन जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन भी इन्होंने कहा है, उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली बिना कोई रुकावट के वो बढ़ता जा रहा है, तो कैरियर ही नहीं है कोई, जितनी आप ड्रग दोगे उतनी की उतनी अब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी के अंदर। बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, कैरियर्स हैं, तो जैसा कि हमने एक्टिव में देखा था ग्राफ, सेम ऐसा ग्राफ फैसिलिटेटेड में हम देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि पहले सेचुरेशन पॉइंट तक तो रिएक्शन बढ़ेगी, उसके बाद रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगी क्योंकि कैरियर्स हमारे पास लिमिटेड है। उसके बाद जो लास्ट हमारा डिफ्यूजन है जो बहुत कम देखने को मिलता है वो है एंडोसाइटोसिस। जैसे हमारा फैगोसाइट्स मैक्रोफेजिस होते हैं बायोलॉजी में, हम जो सेल को एंगल्फ कर लेते हैं तो वो सिंपल करते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू। आजकल इसको भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही माना गया है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। एंडोसाइटोसिस क्या है, टेकिंग फॉरेन मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है गाइस जो ओवरऑल हर किसी में काम आएगा, वो है जैसे कि जैसे पार्टीशन कोफिशिएंट इंक्रीज होएगा ऐसे ही लिपिड सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल का पार्टीशन कोफिशिएंट इंक्रीज कर दिया मतलब आपने सिंपल उसकी लिपिड सोलिबिलिटी इंक्रीज कर दी। तो यही था गाइस इस वीडियो में, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन कमेंट डाउन बिलो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।